तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास के फर्स्ट चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन के मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट चल पड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले जो है आपके जो पैटर्न है उसको आप लोग समझ लीजिए। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, तो आप उसे जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में रिवीजन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा में दोस्तों आप लोगों को जो है 95% जो है स्कोर जो है आप लोगों को हासिल करना है, गेन करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। और दोस्तों, उस वीडियो में से मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ही मिलेगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन, ठीक है, याद रखेंगे। सुमेरियन जो पहली ज्ञात भाषा थी, ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने का शुरुआत कब से हुआ। देखिए, पुरातत्व खोजने का जो शुरुआत हुआ वो 1835 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, 1835 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका जो है सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी। तो दोस्तों, ये कई बार आप लोगों को जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण दो नदियां थी वो दलजा और फरात था, याद रखेंगे, दलजा और फरात, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है, दलजा और फरात, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में जो है आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, स्किप कर लेते हैं, हो गया तैयारी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको तैयारी करनी है, आपको बेहतर तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार भी आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में टॉपर करने हैं। 95% अंक आप लोगों को हासिल करना है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से देखना है, बारीकी से आप लोगों को जो है समझना है, उसके आंसर को आप लोगों को देखना है और कॉपी में आप लोग नोट करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्वानों के अनुसार जो है लेखन कला, ठीक है, यानी कि जितने हिस्टोरिकल साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो है लेखन कला का जो सर्वप्रथम विकास हुआ है, यानी कि पहले जो है सबसे पहले जो है विकास हुआ है वो कौन से कंट्री में हुआ है, ठीक है, कहां हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया कंट्री में, यानी कि मेसोपोटामिया देश में जो है लेखन कला का जो है सर्वप्रथम विकास हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बेबिलोन, ठीक है, यहां पे देखिए, बेबिलोन नगर का प्रमुख देवता कौन सा था। देखिए, प्रमुख देवता बेबिलोन नगर से रिलेटेड मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बेबिलोन नगर का जो प्रमुख देवता है, ठीक है, प्रमुख देवता है यानी ईश्वर जो है वो कौन सा है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि इसका जो प्रमुख देवता होता है वो होता है मर्दुक, ठीक, क्या होता है, मर्दुक, याद रखेंगे, मर्दुक इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, मर्दुक, ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि लगभग जो है 3000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, यानी 3000 ईस्वी वर्ष पहले जो है मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की जो है स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, 3000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि असुर, ठीक है, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असुर बनीपाल जो है वो असीरिया के जो है शासक थे, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो सुमेरियन के बाद जो है अक्कादियन का जो है भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अक्कादियन। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में जो है नोट करते जाइएगा और
एग्जाम से पहले आप लोगों को 100% आप मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों मैं सिर्फ वीडियो में बता रहा हूँ, आप वीडियो देख लेते हैं और इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है तैयारी करना है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम इस बार अच्छे अंक हासिल करने, टॉपर बनने हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलें। तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कौन से युग के हैं। तो यानी कहता कांस युग के जो है वो सबसे पुराने शहर कितने ईस्वी पूर्व पहले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार आप लोगों को इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है, आपको याद करवाया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन मैंने बताया ना कि 3000 ईस्वी पूर्व जो है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, तो कौन से कांस्य युग के हैं, 3000 ईस्वी पूर्व कांस्य के युग के हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मेसोपोटामिया नामक जो ये भाषा है, ठीक है, मेसोपोटामिया जो शब्द है या किन किन दो भाषाओं से जो है मिलकर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है मेसोपोटामिया जो है मेसोस और पोटामोस, ठीक है, पोटामोस दो शब्द से जो है मिलकर ये बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग रट लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया में प्राचीन काल में, ठीक है, जब प्राचीन काल में जब 3000 ईस्वी पूर्व जो है इसके साक्ष्य को प्राप्त किया गया, यानी इसका साक्ष्य जो हुआ था वो 5.5 लाख ईस्वी पूर्व जो है पहले इसका जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ था, और मेसोपोटामिया में के औजारों का जो प्रयोग किया जाता था, यानी उसके जो हथियार थे, याद रखना है, यानी कि मेसोपोटामिया में ऐसे हथियार थे जिसका प्रयोग किया जाता था, वो था कांसा का औजार, ठीक है, कांसा का, कांसा समझते हो ना, जिसको हम कांसा कहते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये कांसा का जो औजार बनाते थे वो सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया के औजारों का उपयोग यानी कि हथियार के रूप में किया जाता था मेसोपोटामिया के लोग सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाघ, देखिए ये जो है मेसोपोटामिया से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना दोस्तों, मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो है वो हो गया बेबीलोन, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, ये सभी जो है एक ही साथ जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि एक दूसरे की सभ्यता से जो है बिलोंग करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झूलते बाघ, ठीक है, झूलते बाघ जो है किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाघ जो है वो बेबीलोन सभ्यता की जो है देन है, ठीक है। पहले था इसका सुमेरियन सभ्यता, लेकिन सुमेरियन सभ्यता में जो है वो भाषा का उत्पत्ति हुआ है, लेकिन बेबीलोन सभ्यता में क्या हुआ है कि झूलते बाघ का जो है उत्पत्ति हुआ है, इसकी सभ्यता का जो है देन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो देखिए ये जो है ये बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये रिपीटेड सवाल है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप देखें तो आपको जो है ये सवाल मिलेगा, और मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो है लगभग 7 से 8 सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों ये सवाल जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो है किलाकार, ठीक है, यानी किलाकार लिपि का जो है प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल पूछे गए हैं, और आपको याद रखना दोस्तों कि सबसे पहले यानी कि प्राचीनतम काल में जो सभ्यताएं थी वो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो आपको याद रखना कि ये जो है मेसोपोटामिया सभ्यता जो है सबसे पुरानी है, ये पूरे विश्व भर में प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया ऑप्शन डी। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, आप इसको रट लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रेम, ठीक है, और युद्ध की देवी, प्रेम और युद्ध की देवी जो है किसे कहा गया है, ये इन्नाना को कहा गया है। किसे कहा गया है, इन्नाना, ठीक है, याद रखेंगे इन्नाना देवी को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर, वो सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता में
जब 5,500 वर्ष पूर्व जो है इसकी सभ्यता का जो है निर्माण हुआ, बनाया गया, ठीक है, जैसे लाख वर्ष पूर्व इसका जो है हथियार बनाया जा रहा था, जो इसकी जो है बर्तने तैयार की जा रही थी, वो कौन सी कुम्हार जो है किस स्थिति से जो है वो सरलतापूर्वक जो है बर्तन का निर्माण करता था, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये मेसोपोटामिया से रिलेटेड सवाल जो दिया गया है कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के दरमियान जो है, यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता के समय कुम्हार जो है एक जैसे बर्तन बनाने के लिए किसकी मदद लेते थे, या किसकी बर्तन बनाने की सरलता पूर्वक जो है सहायक होते थे, इस प्रकार से सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना दोस्तों कि यह जो है ना चाक का जो है प्रयोग करते हैं, जो कि आज भी किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं वो चाक पर जो है चक्की जो है इसको पूरी तरह से घुमा लेते हैं, उसके बाद जो है मिट्टी को जो है उसको वो फरेक कर जो है उसको तैयार करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि चाक का जो है वो सहायता लेते थे, जिससे जो है बर्तन जो है सरलतापूर्वक जो है बन जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। देखिए ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको आप लोगों को हर हाल में याद रखना दोस्तों, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड हर एक सवाल को आप लोगों को बारीकी से पढ़ना है। और दोस्तों याद रहे, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में प्राप्त जो है प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो प्रथम पट्टिका जो है वो 3200 ईस्वी पूर्व है, ठीक है, यानी 3200 ईस्वी पूर्व जो है ये पट्टिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। तो देखिए नगरों का जो आरंभ हुआ वो 3000 ईस्वी पूर्व जो है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है। तो विश्व व्यापार के रूप में जो है किसको प्रधानता मिली है, यानी कि सबसे पहले इसका जो है प्रधानता, यानी इसको जो है अनुमति जो है किसको मिला था। तो ये दोस्तों याद रखना है कि फरात नदी को, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है किस दो नदी के किनारे बसा हुआ है, दलजा और फरात, लेकिन सबसे पहले जो है किसको प्रधानता मिली है, तो फरात नदी को जो है प्रधानता मिली है। तो आपको याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। तो मारी नगर जो है राजधानी के रूप में जो है कब उभरा था। तो दोस्तों इसका आंसर आपको याद रखना है कि ये जो है 2000 ईस्वी पूर्व जो है ये जो है राजधानी के नाम से जाना गया। मारी नगर जो है 2000 ईस्वी पूर्व जो है ये बनाया गया था और जो है इसे राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है किलाकार जो लिपि है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप जो है ये तैयार किया गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जो है किलाकार लिपि के द्वारा जो है लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, इसे संबोधित किया करते थे। यानी दोस्तों उसका जो लिपि है मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो है किलाकार, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसके जो अक्षर होते हैं ना, इसकी जो पहचान हुई है, पहचाना गया है, ये कब किस ईस्वी में पहचाना गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह जो है 1850 में जो है इसकी जो है पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे सवाल दोस्तों देखते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी से कहना चाहूंगा कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल पाए और आप बोर्ड एग्जाम के लिए जो है 100% जो है तैयार हो पाए। आप लोगों को तैयारी जब पूरी धाकड़ तरीके से जो है कराई जा रही है, इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों साथ ही और ज्वाइन भी कर लीजिएगा तो आपको बेहतर होगा, और आप सभी के जो है सारी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराते जाऊंगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सारा चीज मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 22 नंबर कि दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना जो है कब हुई थी। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना कि ये जो है 5000 ईस्वी पूर्व जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी। तो मेसोपोटामिया में जो है सबसे बड़ी चीज जो कि आज के समय में भी वो कमी दर्शाती है, और दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता के अनुरूप में उस समय जो है, जो आधुनिक समय में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जब 3200 ईस्वी पूर्व जो है पहले इसकी स्थापना हुई थी या खोज हुई थी, तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज की जो कमी थी ना दोस्तों, वो था
आपका खनिज संसाधन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले वहां तो व्यापार का तो संगठन हुआ ही, सोना और चांदी भरपूर था, तांबे की जो है उत्पादन भी भरपूर हो रहा था, लेकिन ये जो खनिज संसाधन है इसकी जो है बहुत ज्यादा कमी थी मेसोपोटामिया सभ्यता के समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी, तो आपको याद रखना है कि खनिज संसाधन की कमी थी। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे, तो आपको याद रखना है, देखिए आधुनिक समय के बारे में बताया जा रहा है, मेसोपोटामिया से रिलेटेड है, तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो किस चीज पर लिखा करते थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह जो है मिट्टी की पट्टिका, जो मिट्टी की जो पट्टिका है जो कि 3200 ईस्वी पूर्व जो है इसकी जो है उत्पत्ति हुई है और इसका जो है पहचान किया गया, और उसके बाद जो है जो लिपि थी, ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, कालिकार लिपि, और इसकी जो लिपि जो है वो मिट्टी की पट्टिका पर जो है लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन जो है ये आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 25 नंबर दिया गया है कि उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था, तो उर शब्द जो है किस देवता के लिए जो है प्रयोग किया जाता था, तो उर शब्द जो है दोस्तों ये जो है चंद्रदेव के लिए जो है प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा भगवान के जो है उसको संबोधित करने के लिए जो है उर शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक, ठीक है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था, तो कौन सा भाग जो है रेगिस्तान से घिरा हुआ था, दोस्तों आपको याद रखना है दक्षिणी मेसोपोटामिया भाग जो है, यानी दक्षिणी भाग मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग यानी कि जो साउथ भाग है वो जो है रेगिस्तान से घिरा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यानी कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों महीना में जो है बांट रखा था, यानी कि एक महीना हम लोग जानते हैं कि एक महीना जो होता है वो फरवरी है तो वो 28 दिन का होगा, 28 या 29 दिन का, अगर 30 या 31 दिन का, हम लोग यही जानते हैं कि एक महीना जो है इतने दिन का होता है, 28 या 29, 30 या 31 दिन का होता है, लेकिन दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है, जो एक महीना जो होता था तो वो यहाँ पे एक महीना नहीं पूछा जा रहा, ये कि एक वर्षों को, ठीक है, ये एक वर्ष जो है यानी कि जो पूरा एक साल होता है वो कितने महीनों में जो है वो बांट कर रखा हुआ था, कितने महीनों में जो है बांटा हुआ था, तो मेसोपोटामिया के लोग जो है दोस्तों वो करते थे क्या, वो 12 महीना, जो 12 महीना होता है जो हम लोग अभी करते हैं ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो 12 महीना होता है उसे जो है वो एक साल में जो है बांट कर रखा था, ठीक है, उसे भी आधुनिक समय से ही जो है किया जा रहा है और आधुनिक समय से भी हम लोग मान रहे हैं कि 12 महीना का एक साल होता है, तो मेसोपोटामिया के लोग भी जो है एक वर्ष को 12 महीनों में जो है बांट कर रखे थे, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 28 नंबर दिया गया है कि मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ये जो है स्लेटी, ठीक है, सॉरी स्टेपी प्रकार के, यानी कि स्टेपी तरह के जो है घास के मैदान पाए जाते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ढलान नुमा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ढलान नुमा जो है आप लोग याद रखेंगे, ढलान नुमा कह सकते हैं या स्टेपी प्रकार के जो है घास के मैदान जो है पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जिगुरत का संबंध जो है किस सभ्यता से था, तो देखिए मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता और ईरानी सभ्यता, तो ये तीनों जो सभ्यता है वो प्राचीनतम सभ्यता है और सबसे पहला सभ्यता है मेसोपोटामिया, ठीक है, और मेसोपोटामिया से रिलेटेड ही मैं आपको यहां पे सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और यहां पे ये पूछा गया है कि जिगुरत का संबंध जो है किस सभ्यता से है, तो जिगुरत का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया से रिलेटेड है, ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है, तो अब जो है मेसोपोटामिया ये जो है इसका सही सटीक आंसर होगा, क्योंकि जिगुरत का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से ही रिलेटेड है, इसी से संबंध रखता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल दिया गया है कि सटदा प्रणाली का आविष्कार जो है किस सभ्यता में हुआ है, तो इसका आंसर जाएगा ये जो है सुमेरियन सभ्यता में हुआ था, सुमेरियन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है, तो गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध दोस्तों ये जो है मेसोपोटामिया से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि शहरी जीवन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम कहां हुई थी, तो शहरी जीवन का शुरुआत
शहरी जीवन का शुरुआत, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरी जीवन का जो शुरुआत है वो सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जो है मेसोपोटामिया से हुई है। ऑप्शन सी इसका सहीवा सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल जो है कौन सी थी, तो इसका आंसर आएगा ये होगा गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सहीवा सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पीली नदी किसे कहते हैं, तो पीली नदी जो दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रिपीटेड सवाल है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पीली नदी ये नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये पीली नदी जो है ना ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कहते हैं हवांगहो नदी। ठीक, हवांगहो नदी, पीली नदी को जो है हवांगहो नदी भी कहा जाता है। हवांगहो नदी को जो है पीली नदी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है 35 नंबर दिया गया है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ। तो दोस्तों ये कई बार मैंने अभी आप लोगों को बताया और कई बार भी मैंने आप लोगों को बताया है मारी। ठीक है, याद रखेंगे मारी शहर, याद रखें मारी शहर का विकास हुआ था शाही राजधानी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ये जो है कांसा। ठीक है, कांसा औजार की जो है प्रयोग होता था, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो औजारों का जो प्रयोग करते थे, औजार जो बनाया जाता था वो किससे जो है बनाया जाता था, याद रखें कांसा का। ठीक है, याद रखें ऑप्शन नंबर बी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अरामाइक भाषा किस से मिलती जुलती है। तो अरामाइक भाषा जो है वो हिब्रू से जो है मिलती जुलती है। ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सीमार क्या है। तो सीमार जो है वो सुमेर ईटों, ठीक है, सुमेर ईटों से बने शहरों की भूमि को जो है कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सहीवा सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया नामक या मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है। मैंने आपको बताया ना दोस्तों यह जो है कई बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है और कई तरीके से जो है क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये मेसोस और पेटामिया नामक दो शब्द से मिलकर बना है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया नाम जो है किस भाषा के दो शब्दों से बना है। तो दोस्तों यह जो एक लैटिन भाषा है, याद रखेंगे ये क्या है, एक लैटिन भाषा है, लेकिन दोस्तों ये एक यूनानी भाषा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो है यूनानी के दो भाषा, यूनानी के कौन कौन से भाषा, एक मेसोमो, ठीक है, यानी कि एक मेसोस और एक पेटामिया, एक मेसोस और पेटामिया दो यूनानी भाषा है जिसको जो है मिलाकर मेसोपोटामिया नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वार्क शीर्ष क्या है। तो वार्क शीर्ष क्या है, तो वार्क शीर्ष जो है स्त्री का सिर संगमरमर का है, इस संगमरमर का, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड सवाल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको मैंने आप लोगों को बताया है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को पार्ट 2 के रूप में आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूं उन सभी को एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में रिवीजन कर लेना है। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आगे भी आप लोगों को मिलने वाला है, जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप दोस्तों 85% अंक आप लोग आसानी से जो है ला सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 95% प्लस आप लोग जो है मार्क्स जो है अपनी बोर्ड की परीक्षा में उठा पाएंगे। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।